फिफ्थ टर्म एट एंड लास्ट टर्म इज फोर चार ऑप्शन गिवेन है और इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सॉल्व यहाँ पर एक सीरीज गिवेन है सीरीज का पहला टर्म वन टी एट सेकेंड टर्म मिसिंग है हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है इसको हमने एज्यूम कर लिया के के की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी अब के के बाद थर्टी टू थर्टी टू के बाद 16, 16 के बाद एट एट के बाद फोर यहां से हम चेक करते हैं क्या पैटर्न बन रहा है वन ट्वेंटी एट से के बना के से बना थर्टी टू थर्टी टू से बना सिक्सटीन तो यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है 1 by 2 का 16 से बना 8, यहां पर भी मल्टीप्लाई हुआ है 1 by 2 का एट से बना फोर तो एट में मल्टीप्लाई हुआ है वन बाई टू का तब एट से बना फोर तो यहां से एक पैटर्न बन रहा है कि पहले वाले नंबर में वन बाई टू का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें बाद वाला नंबर मिल रहा है तो यहां से पैटर्न बनेगा 128 में भी 1 बाई टू का मल्टीप्लाई हुआ है और के बना के में 1 बाई टू का मल्टीप्लाई हुआ और ये 32 बना अब यहां से के की वैल्यू हो जाएगी के इज इक्वल टू या तो हम 128 में 1 बाई टू का मल्टीप्लाई कर दें या तो हम 32 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व कर लेंगे के की वैल्यू आ जाएगी 64 तो 64 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर अब मैच कर लेते हैं अपने ऑप्शंस सो ऑप्शन नंबर ए 64 विल बी द राइट आंसर ओके थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं अब नए सवाल के साथ क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर